का सर जूम करना सर। हाँ ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, बस ये डोर बंद कर देना आराम से। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक फैन की स्पीड कम करना सर। शिवेन चौहान, वनराज ठाकुर, तुषार, गुड आफ्टरनून बच्चों। अंश बजाज, स्मृति, कार्तिक, अक्षांत, प्रिंस शर्मा, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेकेंड सेशन, लाइव सेशन ऑफ 10+2 क्लास फिजिक्स। कल हमने काफ़ी बातें की थी कि किस तरह से हम कैरी ऑन करेंगे और किस तरह से मैं आपको नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कैसे आप तक नोट्स पहुंचेंगे। वो आपको यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भेज देंगे गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हो बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। अपना जो नाम है, अगर बाई चांस आपका नाम प्रॉपर नहीं है उसमें जो भी डिस्प्ले हो रहा है नेम, तो आप अपना नाम भी लिख दें ताकि मैं बच्चों को रिकॉग्नाइज कर सकूं। हाँ बेटा, ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें भी आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। मेरे को आप थोड़ा ये बताएं बेटा कि मेरी जो आवाज़ है कि आज क्लियर आ रही है, कि आज भी डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही आप लोगों को। अपने सभी प्रेजेंट शो कर दें, आपको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हम बड़ा नोबल पर्पज़ है हमारा, नोबल कॉज है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। मैं आप सब बच्चों से एक ही होप करता हूँ कि आप हर चीज़ सीरियसली सुनेंगे, उसको जितना मैं नोट करने को बोलूँगा उतना नोट करेंगे, एक्टिव होके आप बैठेंगे घर में जब भी आपने पढ़ने बैठना है, ठीक है? और कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। अगर बच्चों आपने एक भी क्लास मिस की तो फिर नेक्स्ट डे आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आने वाली है। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपने सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही कमेंट्स करने हैं, ठीक है? तो बच्चों स्टार्ट करें अब हम लोग, ठीक है? मैंने कल आपसे बात की थी कि हमारी 10+2 क्लास की फिजिक्स बड़ा सिस्टमेटिक वे से चलेगी, बहुत सिस्टमेटिक वे से चलेगी। मेनली हम स्टार्टिंग में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है, क्या क्या काम कर सकता है, वो सिखाएंगे हम लोग, ठीक है? तो आवर फर्स्ट यूनिट इज़ यूनिट नंबर 1। बड़ा यूनिट है बेटा, पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। एनसीईआरटी ने इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, बाकी जो हमारी हेल्प बुक्स हैं उनमें इसको 3 या किसी ने 4 चैप्टर में डिवाइड किया है, ठीक है? तो यूनिट का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम एचपी बोर्ड की बात करें तो ये 7 मार्क्स का है, और सीबीएसई बोर्ड में भी नियरली 7 या 8 का, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, 7 या 8 का ही सीबीएसई के अंदर भी है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड के ऊपर ही थोड़ा फोकस करते हैं। पहले देखो इलेक्ट्रो और स्टैटिक। अब स्टैटिक वर्ड आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है? जो बच्चे प्रेजेंट हैं बेटा मैंने सबको देख लिया, अब आप कमेंट्स बंद कर दें और अपने पढ़ने पे फोकस करें, ठीक है? अपनी कॉपी बॉल पेन लेके जितना जितना बोर्ड पे लिखूंगा थोड़ा थोड़ा आप नोट करते रहें ताकि आप एक्टिव स्टेट में रहें बच्चे, ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब आप जानते हो, प्लस उन्हें पढ़ा आपने, रेस्ट। एक डायनेमिक होता है, दूसरा स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। और इलेक्ट्रो, इट इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे, और चार्जेस को अज्यूम करेंगे एट रेस्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस
व्हेन दे आर एट रेस्ट। नोट्स में सब कुछ लिखा होगा, बस आपने पॉइंट पॉइंट जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे वो नोट करते जाना आपने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच विल स्टडी द चार्जेज एट रेस्ट। अब बोलता कुछ प्रॉपर्टीज के नाम बता देता हूँ। कल मेरी बात हुई थी बेटा कि चार्जेज एट रेस्ट में हम लोग एक पढ़ेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसे फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हर बच्चा जानता होगा कि लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं। तो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चार्ज अराउंड इट्सेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नंबर 2 पे पढ़ना है। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम कि चार्ज का इफेक्ट इसके अराउंड देखना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट एंड वी विल डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा मैंने आपको बात करी कि आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे कुछ बोल रहे हैं, मे आई ड्रिंक वाटर एट्सेट्रा, बेटा मैं ज़्यादा चीज़ें टॉयलेट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने पर फोकस रखता हूँ। दैट्स वाई आप अगर कोई अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो उसी टाइम में उसको ब्लॉक कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ ना करूं, आप बच्चे पूरा एक ही ध्यान रखें, सभी के सभी बच्चे एक ही चीज़ पे फोकस रखें कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है और हमने सीखना है। नेसेसरी होगा तभी कमेंट करना बच्चों आपने, जब आपको कोई डाउट होगा तब आपने कमेंट करना, या मैं कुछ आपसे पूछूंगा तब आपने कमेंट करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग, हमने बोल दिया कि वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो अगला हेडिंग लिखो सभी अपनी कॉपी के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम किसी चीज को, आपने सुना होगा कि ग्लास की रॉड ले लें अगर हम, सिल्क का क्लोथ ले लें अगर हम, और उनको हम रब करें, ये चीज मैक्सिमम बच्चों ने सुनी होगी, या ये नहीं सुना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉम ले लें, ड्राई हेयर हो, कॉम को ड्राई हेयर के ऊपर ऐसे रब करें तो वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट लग जाता है करने। और हर बच्चा जानता भी होगा कि हम ये बोलते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि रब करने से कॉम के ऊपर चार्जेस आ गए। अब चार्ज बॉडी के ऊपर आता कैसे है, तो वो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप मैक्सिमम बुक्स में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये लाइन लिखी होती है। तो यहाँ के और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब क्या है इसका, कि चार्ज बेटा बॉडी को कहीं बाहर से नहीं आता, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज बाहर से नहीं आता, चार्ज उसके अंदर पहले से होता है, ठीक है। जैसे हनुमान जी के बारे में बोला जाता था कि भाई उनको अपनी ताकतें भूल गई, ताकतें थी उनके अंदर पावर थी पर वो भूल गए, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी के अंदर पहले से होता है। रब करने से जस्ट हम उसको याद करवाते हैं। मैं थोड़ा अलग ढंग से समझा रहा हूँ, फिर आपको पता लग जाए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब हम चार्ज को क्रिएट करेंगे बट वो बाहर से नहीं आएगा, वो उसके अंदर ही है। अच्छा, चार्ज को समझने से पहले बिल्कुल 9th क्लास के कंसेप्ट पे चले जाते हैं, एटम। बोलते हैं कि दुनिया की हर चीज़, मैं आप ये सब चीज़ें, जितना भी सामान आपके आसपास पड़ा है, सब चीज़ का एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, एटम है। आपने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा बेटा, इतने सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं, तो सारे एटम्स हैं। अच्छा, हर एटम के अंदर एक बिल्कुल छोटा सा स्पेस है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो हर एटम के अंदर एक छोटा सा स्पेस है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। वो जो हम न्यूक्लियस बोलते हैं, हर बच्चा जान रहा होगा इस टाइम कि उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको छोड़ के
मैं क्या, अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, तब आपने आंसर करना है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ के क्या कोई और चीज़ भी होती है या यही दो होते हैं। चाओस बताओ, अब मैं वेट कर लेता हूँ आपका। कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ के, न्यूक्लियस के अंदर बोल रहा हूं मैं शुभम, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों बच्चे बोल रहे हैं क्वार्क्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये चीजें बच्चे बोल रहे हैं, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स। ठीक है, बच्चों ने काफ़ी आंसर दिए, अब मैं फोकस करता हूँ। देखो बेटा, मेनली अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो होते हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं और एक न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाउएवर, इसके अंदर और भी बड़े एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ बच्चों भी नाम ले भी रहे हैं, उनमें आपके मेसॉन्स आते हैं, एक वो आपने पढ़ने नहीं, प्लस टू फिजिक्स में नहीं है, मेसॉन्स, पायॉन्स, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल, फिर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना बच्चों, ये इसको हम न्यूक्लियर, इसको ये जो पार्ट आता है हमारा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, तो हम फिलहाल इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे को इनसे कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कि मैं प्लस टू फिजिक्स तक की अगर बात करूँ, प्लस टू लेवल तक की बात करूँ, तो मैं यही बात करूँगा कि भाई हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, हर बच्चा जानता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इन न्यूक्लियस के अराउंड फिर कोई चीज़ ऑर्बिट करती है, ऐसे ऐसे बाहर घूमते हैं इसके तरफ, और हर बच्चा जानता होगा प्लस टू में, आप प्लस वन में आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री के अंदर कि बाहर जो घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एक और बात पढ़ी थी हमने कि जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज नेगेटिव भी होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था बेटा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम नेगेटिव में होता है। प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ आ जाएगा। ये मैं बिल्कुल एलिमेंट्री बातें कर रहा हूँ बेटा आपसे फिलहाल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। फिर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं, 3Li7 ले लेते हैं बेटा। ये जो हम लिखते हैं इसमें 3 क्या होता है बच्चों, आप बताओ 3 क्या चीज़ है, 3Li7 लिखा मैंने, तो व्हाट इज 3 इन इट, शाओ बताओ 3 क्या है इसके अंदर। वनराज बोल रहे हैं कि ये एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और बेटा 7 क्या है इसके अंदर, 3 हमारा एटॉमिक नंबर है, तो 7 क्या है बच्चों, शाबाश। अब 7 में बच्चों ने बता दिया कि मास नंबर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं, मेरे को इस टाइम ना मास नंबर से कोई लेना देना है, ना मुझे कोई एटॉमिक नंबर से लेना देना है, मैं तो आपको चार्ज का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए बात करूँगा। मेरे से कोई पूछे कि भाई इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ये जो मैंने सिंबल यहाँ रिप्रेजेंट किया है एटम का, लिथियम लिखा हुआ है, मेरे से पूछा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, तो भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 3 हैं बच्चों, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सब बच्चों का आंसर आ जाएगा कि 3 हैं। तो प्रोटॉन्स का नंबर भी 3 होता है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 3 होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन भी 3 बेटा, इलेक्ट्रॉन भी 3, फर्क क्या कि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो मेरे को ये बताओ हमारे एटम के ऊपर, हमारे एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज। मेरे को न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं था, दैट्स वाई मैंने नेट न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं करी आपसे, मैंने सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करी और इलेक्ट्रॉन्स की बात करी। प्रोटॉन मेरे पास 3 आए बेटा, इलेक्ट्रॉन भी 3 आए, तो नेट चार्ज कितना आया, 0 आ गया। हाँ बिल्कुल सही, सही बच्चे आंसर कर रहे हैं कि भाई नेट चार्ज हमारे पास 0 आ गया।
मैं वहीं पहुंचना चाह रहा था, मैं वहीं पहुंचना चाह रहा था कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, जितने आपने जितने एलिमेंट्स पढ़े हैं, हर एटम है और हर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने बाहर उसके बेटा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। इसका मतलब जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। तो हर एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना है? ज़ीरो है। चलो ठीक है, हर एटम के ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो है। अब यहीं से हमारी पढ़ाई शुरू होगी अब कि हर एटम के अंदर चार्ज ज़ीरो है। बेटा मैंने क्या किया, आप भी बनाएंगे मेरे साथ, ग्लास की रॉड ली, ग्लास रॉड ली, सिल्क क्लोथ लिया, सिल्क क्लोथ ले लिया, ऐसे और कई एग्जांपल हैं, एबोनाइट की रॉड ले लो, फर ले लो, उनको रब कर दो आपस में, ठीक है। ग्लास की रॉड ले ली बेटा, सिल्क क्लोथ ले लिया, मैंने इनको रब किया। अच्छा रब नहीं किया अभी, ये ग्लास की रॉड का भी बिल्कुल बेसिक एलिमेंट कौन होंगे? एटम, एटम से मिलके बना होगा। सिल्क का क्लोथ है तो ये भी किससे मिलके बना होगा? एटम से। हर एटम के ऊपर चार्ज ज़ीरो होता है तो ग्लास रॉड के ऊपर भी चार्ज कितना होगा बेटा? ज़ीरो। और सिल्क क्लोथ के ऊपर भी चार्ज कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो हर ये रफ में करना है बेटा अभी ये काम आपने, ठीक है, ये काम आपने अभी रफ में करना है। फिर कि बीच में कोई मैसेज डालता है तो उस पर वो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ जो सही कर रहे हैं बिल्कुल सही, हमने बेटा रफ में करना है बच्चों काम, पहले हम काम रफ में करेंगे, उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं। अब मेरी बात सुनो, ग्लास रॉड के एटम को आपने बेटा सिल्क क्लोथ के एटम से रब किया। देखो ये ग्लास का एटम है और ये सिल्क का एटम है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैं अपने नॉलेज से आपको बताता हूँ कि रब करने से ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, रब करने से ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव और सिल्क क्लोथ के ऊपर, सिल्क क्लोथ के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। ये मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब मेरे को आप ये बताओ कि ग्लास रॉड पे अगर पॉजिटिव आया तो उसके पीछे कारण क्या आता है? पहले मैं बताता हूँ, ग्लास रॉड के ऊपर अगर पॉजिटिव आया तो दो कारण लग सकते हैं मेरे को, पता क्या? या तो सिल्क के न्यूक्लियस से कुछ प्रोटॉन आए और ग्लास में एंटर हो गए, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ही नेगेटिव होता है। अभी हम बोल रहे हैं कि ग्लास के ऊपर चार्ज कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब या तो इसके प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए होंगे, या तो इसके प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए होंगे, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रोटॉन में कुछ नहीं हुआ होगा, प्रोटॉन में कुछ नहीं हुआ होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जो इस ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो छोड़ के यहाँ चले गए होंगे। तो मतलब दो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, या तो ग्लास पे पॉजिटिव आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो भाई ग्लास के ऊपर प्रोटॉन्स इंक्रीज हो गए, या फिर ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। मेरे को बताओ दो में से क्या होगा? प्रोटॉन ने सॉरी ग्लास ने प्रोटॉन गेन किए या इलेक्ट्रॉन लूज किए? ठीक है, मैक्सिम बच्चों का आंसर सही है, मैं आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर करें। तो देखो पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम दो चीज़ों को रब करते हैं न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है ना बेटा, न्यूक्लियस से जब छेड़छाड़ करोगे तब तो बहुत बड़ी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने सुना होगा न्यूक्लियर बम, ठीक है, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियस से जब छेड़छाड़ होती है दैट विल कॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियस से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। इसका मतलब जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज करते हैं तो उसके न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा। जब दो चीज़ों को रब करेंगे तो सिर्फ किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ये चीज़ें हमें आगे चल के काम आएंगी ना, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सो मच टाइम कि भाई न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा रब करने का, रब करने का इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे होगा। अब ग्लास या रॉड में से कोई एक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और दूसरा अपने उन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। जिसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई,
और रॉड जो होगी हमारी दैट विल कॉज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिसको गेन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी लाइन लिख लो बच्चों, एक छोटी सी लाइन लिख लो। ठीक है, लिखो इसमें पॉजिटिव चार्ज, उसके सामने क्या लिख दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो मतलब दैट कॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा लिखो बेटा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के सामने लिखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो ये चार्ज की बात होगी कि चार्ज बॉडी के ऊपर आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, दैट मे बी ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मे बी ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगला हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी आप लोग लिखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने लिखनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, है ना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके लिए कोई वर्ड नया नहीं है। आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा प्लस वन में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा आप बच्चों ने प्लस वन में। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कि जब किसी सिस्टम में, अब सिस्टम का क्या मतलब, जैसे मैंने कॉम और हेयर का एग्जाम्पल लिया था, तो कॉम और हेयर मिलके क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया ग्लास रॉड का और सिल्क का, तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लोथ ये मिलके भी क्या बन गया, एक सिस्टम। तो बोलता कंजर्वेशन ऑफ, देखो कंजर्वेशन चार्ज क्या बोलता है, बोलता है एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चाहे लाइन लिख लो आप, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, थोड़ी देर आप भी नॉर्मल हो जाओगे सिचुएशन के हिसाब से। बोलता इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कंजर्व रहता है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर दो चीज़ों को रब करोगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जितना एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एग्जैक्टली उतना ही दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसमें कई बुक्स में लिखा होता है, एक बच्चा लिख भी रख बोल भी रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैक्सिम ऐसे लिखा है, हमने जो नोट्स भेजे हैं आपको उसमें ऐसे लिखा हुआ है ताकि आप बोर्ड में उस तरह से लिखें, लेकिन मैं पर्सनली इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन ए बॉडी। जैसे पहले किसी ग्रास रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था वो, लेकिन बाद में तो क्रिएट कर दिया ना अपने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोलूँगा चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन ए बॉडी, चार्ज कैन बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी, बट नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व। पूरे सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बोर्ड में पूछा जाता है बेटा, आपको वहाँ इसको विद एग्जाम्पल समझाना है। मैं एग्जाम्पल एक साइड करता हूँ, विद एग्जाम्पल आपको बताना है। एग्जाम्पल ऐसे ले लेना आपने, देखो एक तरफ बना दो ग्लास रॉड, एक तरफ ले लो सिल्क को लो। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद कर लेना, उसी से काम चलाते रहना फिर अपना। ठीक है, फिर साइड में लिखना बिफोर रबिंग। ठीक है, तो बिफोर रबिंग क्यू नेट इक्वल टू होगा क्यू ऑन ग्लास प्लस क्यू ग्लास के ऊपर प्लस क्यू सिल्क के ऊपर। ग्लास के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, जीरो, और सिल्क के ऊपर भी कितना है, जीरो, तो नेट चार्ज है जीरो। इनिशियली आपने ऐसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, फिर लिखना आपने आफ्टर रबिंग, जब आपने सिल्क और ग्लास को रब कर दिया बेटा, तो आफ्टर रबिंग लेट क्यू ऑन ग्लास, ग्लास के ऊपर जो चार्ज है उसको मैंने अज्यूम कर लिया बेटा प्लस फाइव कूलम, पॉजिटिव चार्ज, और मैंने अज्यूम किया लेट लिखा मैंने। ठीक है, लेट क्यू इक्वल टू प्लस फाइव कूलम, तो क्यू ऑन सिल्क जो होगा बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग पक्का पक्का माइनस फाइव होना चाहिए, क्योंकि चार्ज नेट सिस्टम में कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो नेट चार्ज आपके पास, अब देखो अब लिखोगे क्यू नेट। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ बेटा, नहीं दिख रहा होगा अगर आपको,
तो क्यू नेट इक्वल टू प्लस फाइव माइनस फाइव इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो नेट चार्ज हमेशा सिस्टम का कंजर्व रहेगा। जितना आप सिस्टम के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करोगे एग्जैक्टली उतना ही सिस्टम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, चलो एक मिनट का टाइम देना बेटा मेरे को। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको नोट्स के साथ पूरा सिंक्रोनाइज करके पढ़ाऊँ। ठीक है, नोट्स के साथ पूरा सिंक्रोनाइज करके पढ़ाऊँ ताकि आप जब नोट्स पढ़ें तो आपको थोड़ा सा ईजी लगे फिर आपको। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई, अगली प्रॉपर्टीज़ को मैंने थोड़ा पॉज दे दिया बेटा, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बाद में आता हूँ। एक पार्ट पहले मैं और करा लेता हूँ जैसा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, ताकि आपको कुछ ऐसा नहीं लगे कि नोट्स में कुछ और है और सर कुछ और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सो दैट आप लोग पूरा सिंक्रोनाइज करके रहें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्ज किसी बॉडी पे ऊपर कैसा आ सकता है, ये तीन मेथड से हम कर सकते हैं बेटा इसका। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहले दिन पढ़ रहे हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं हम लोग, डोर खोल देना। चार्जिंग बाय कंडक्शन, देखो सपोज करो कि मेरे पास एक मेटल की रॉड है। मैंने अब ग्लास नहीं लिया बेटा, मेटल की रॉड है। तो मेरे पास बेटा एक मेटल की रॉड है, मेटल रॉड के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है। बताओ क्या करके आया होगा पॉजिटिव चार्ज। बेटा मैं व्हाट्सएप का आपको नंबर दूंगा, शांत का नंबर लिख के देना मेरे को, वही 94 वाला। मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा बेटा आपको, एक नंबर फोन नंबर दूंगा मैं आपको, जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, जो अदर स्कूल के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दूंगा, वहाँ पे अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर ये देना आपने। अभी मैंने बच्चों से पूछा था कि ये मेटल की रॉड है, मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है, तो वो कैसे किया होगा, कैसे आया होगा। तो बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं कि रबिंग करके किया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चाहे मैं नंबर लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, इस नंबर पे आप अपना फ़ोन नंबर सेंड कर सकते हैं, जिनका भी 9459175916। इस पे बेटा आप इसको नोट कर लें। जिन बच्चों को अपने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाना है वो इस नंबर के ऊपर, प्रशांत सर का नंबर है ये, उनको आप भेज दें, वो आपको ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो काफ़ी आंसर आ रहे हैं, पर मेरी बात सुनो, जैसे बच्चे बोल रहे हैं इंडक्शन हुई, फ्रिक्शन हुई, इनमें से हाँ बिल्कुल सही है, कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन पक्का इस मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आए, मेथड चाहे कोई हो, लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो 100% है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या किया मैंने बेटा, एक और मेटल का ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे मेटल का ऑब्जेक्ट रख दिया, उसको एक स्टैंड पे टिका दिया। ये स्टैंड बेटा इंसुलेटर का है, ये स्टैंड इंसुलेटर का बना हुआ है, लेकिन ऊपर जो रखा मैंने ये स्फीयर जैसा बेटा, ये मेटल का है, तो ऊपर मैंने एक मेटल का स्फीयर लिया और मेटल की रॉड ली बेटा मैंने। ठीक है, तो अच्छा कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अच्छा थोड़ा सा करता हूँ मैं, एडजस्ट करता हूँ बेटा इसको, ये जगह बंद हो गई है, प्लीज़ नीचे से स्टैंड से कर देना सर, बस ठीक है। ठीक है बेटा, चलो सुनो, मेटल की रॉड है, मेटल का स्फीयर, मैंने क्या किया इस मेटल की रॉड को लिया और इसको क्या किया, अपने प्लास्टिक के ग्लव्स लिए, ग्लव्स पहने पहले मैंने, ग्लव से बेटा इसको पकड़ा और इसके साथ टच कर दिया, मेटल की रॉड थी, मेटल से टच कर दी, तो पता क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब ये रॉड बेटा ऐसे टच कर दूंगा ना इसके साथ में, ऐसे ऐसे,
तो मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्फीयर पे भी फैल जाएगा, रॉड पे तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि रॉड का ख़त्म हो जाएगा, रॉड पे तो रहेगा ही, लेकिन रॉड के साथ साथ, एक मिनट बेटा, रॉड के साथ साथ वो स्फीयर को भी ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब मैंने ट्रांसफर किया जस्ट टच करके, तो ये कौन सा मेथड हुआ बेटा? अगर आप किसी एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर रहे हैं जस्ट टच करके, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन, वो चार्जिंग बाई कंडक्शन होती है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड पे आ जाओ, सेकंड है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ये हमारे लिए बेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंडक्शन वाली तो बड़ी रेयरली बात करेंगे हम, मेनली हमारी जो बात रहेगी बेटा वो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पे होगी। अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि दो चीज़ों को रब करें अगर उनका नेचर अलग अलग है, जैसे एक ग्रास की रॉड ले ली, सिल्क ले लिया, एबोनाइट की रॉड ले ली, फर ले ली, जब दो अलग अलग नेचर की चीज़ों को रब करते हैं तो दो में से जो थोड़ा लूज, जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं, दूसरे वाला उसको गेन कर लेता है। जो छोड़ देता है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो रब करके अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ना, रब करके, तो कौन सा मेथड है बेटा? रब करके अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन करने से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, अब आ भी रहा होगा तो आप डायरेक्टली पूछ नहीं सकते मेरे से, तो मैं खुद बोल देता हूँ बेटा। क्वेश्चन क्या आता है कि सर ऐसा कैसे पता चलेगा कि किसको रब करें? जैसे मैंने एग्जांपल दे देता हूँ कि प्लास्टिक की स्केल है, प्लास्टिक की स्केल है और मेरी शर्ट है, कोई किसी भी इसकी होती है, मैंने इनको रब किया, प्लास्टिक वाली चीज़ को मैंने रब किया, नेचुरली उसके ऊपर चार्ज आ गया मान लो। ठीक है सर, मास पे भी कोई इफेक्ट होता है? जला भी बताते हैं बेटा, धीरे 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 सब चीज़ें होंगी। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी, पहले जो मैं चीज़ करा रहा हूँ पहले उस पर फोकस रखो। ठीक है, पहले आप जब ज़्यादा कमेंट्स मत करो, पहले जो मैं करा रहा हूँ उस पर फोकस रखो बच्चा, मैं अपने आप समझाऊंगा बेटा धीरे धीरे। और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मास के ऊपर भी क्या इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, वो क्वेश्चन तो बेटा हमें कॉम्पिटिशन में भी आता है। फिर आगे सुनो, मैंने क्या बोला कि हमने इनको रब किया बेटा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव तो पता था, पर कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव किस पे आएगा नेगेटिव किस पे आएगा? इसके हैं दो तरीके, इसके पता करने हैं दो तरीके। या तो आपको इसके एटम्स का नेचर पता हो, आपको ये पता हो कि ये जो माने मार्कर पकड़ा हुआ है इसका जो एटम है, इसके जो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमते हैं वो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने टाइटली बॉन्डेड हैं कि लूजली बॉन्डेड हैं, फिर शॉर्ट के एटम्स का पता होना चाहिए। मतलब बहुत ही कम्प्लेक्स तरीका एक। और दूसरा तरीका है कि कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया हुआ है कि भाई चार्ज पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, होता है मैं आगे बताऊंगा, वैसे फिलहाल नाम आया तो मैं लिख देता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोस्कोप बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट बनाया ही इस काम के लिए है कि बॉडी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, नेचर ऑफ चार्ज। इसका पूरा नाम है बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड की लीफ्स यूज होती हैं बेटा इसमें, दैट्स व्हाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका काम होता है नेचर ऑफ चार्ज पता करना और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का आइडिया लगाना, एग्जैक्ट नहीं पता लगता पर आइडिया लग जाता है कि चार्ज ज़्यादा है या कम है, और नेचर ऑफ चार्ज भी पता लग जाता है बेटा इसमें। ठीक है, तो मैं बात ये कर रहा था कि जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो एक पे चार्ज पॉजिटिव आता है बच्चों, एक पे नेगेटिव आता है, पर कन्फ्यूज़न ये है कि पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो बिल्कुल प्रॉपर पता करो एटम के नेचर के बारे में, ये टफ है। सेकेंड तरीका क्या है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके, साइंटिस्ट लोगों ने एक लिस्ट बना रखी है एलिमेंट्स की, वो लिस्ट आपको याद करनी है, नोट्स में हमने लिख रखी है बेटा 7-8 एलिमेंट जो मेनली मेनली पूछते हैं आपसे, वो लिस्ट बना रखी है। जब आपसे कोई पूछेंगे उस लिस्ट के 8 एलिमेंट के नाम याद कर लोगे, आपसे पूछा कोई दो नाम, जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास ऐसे 1 से लेके 8 तक एलिमेंट हैं, मेरे से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया कि 2 नंबर का एलिमेंट अगर इस 6 नंबर को नाम दे रखे होंगे, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ बच्चों,
मेरे को बोला कि टू नंबर का एलिमेंट जब सिक्स वाले के साथ रब करेंगे तो बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा कि नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, हाँ बेटा वो नोट्स में है, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, जो सीरीज में पहले आएगा ना उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा और सीरीज में जो बाद में आएगा उसके ऊपर नेगेटिव होगा। कोई बच्चा ऐसा पूछ ले सर कि ऐसा क्यों, भाई ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया है, फिर उनको अरेंज किया है और अरेंज करने के बाद पता चला है कि जो पहले एलिमेंट सीरीज में आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बाद में होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है बेटा। तो ये सीरीज आपको प्रोवाइड करा देंगे। रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम रखा हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है मेरे पास तीसरी टेक्निक चार्ज करने की, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये जो वर्ड बेटा आप इंडक्शन सुन रहे हो ना, ये जो वर्ड आपने इंडक्शन सुना अभी, ये इंडक्शन वर्ड आपका फिजिक्स जब तक पढ़ते रहोगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। दैट्स वाई इस वर्ड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडक्शन वर्ड को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुनो, इंडक्शन मेथड बता रहा हूँ बेटा मैं, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए इंडक्शन मेथड हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के बच्चे ने लिखा कि विदाउट टचिंग, हाँ सही। देखो चार पांच क्वेश्चन बढ़ाऊँगा मैं यहाँ पे, और वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कंपटीशन में भी आ जाते हैं। देखो ध्यान से, मेटल का स्फीयर लिया बेटा, मेटल का स्फीयर लिया मैंने और इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा, मेटल का स्फीयर लिया इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा, ठीक है। ग्लास की रॉड ली बेटा, ग्लास की रॉड ली मैंने, देखो ऐसे ग्लास की रॉड ली मैंने और इस ग्लास रॉड के ऊपर पहले प्लेट किया मैंने चार्ज पॉजिटिव। इसका मतलब इसको किसी चीज़ के साथ रब कर रखा है मैंने पहले, इसको मैंने किसी चीज़ रब कर रखा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है। इसको मैंने इससे टच नहीं किया, टच नहीं किया इसको, ठीक है। पर क्योंकि ये बना हुआ था मेटल का, ध्यान रहे ये इंसुलेटर का अगर हुआ है इंसुलेटर का तो इंडक्शन नहीं होगी, वो फिर पोलराइजेशन होगी जो मैं बाद में सिखाऊंगा। पोलराइजेशन होगी वो हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल मैं मेटल लेके चल रहा हूँ, मेटल है। अब मेरे को ये पता है यार कि मेटल के अंदर आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग फ्री होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री होते हैं, उनको दिखा पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर बैठे हुए थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उस तरफ को मूव करने स्टार्ट करे, बफरिंग हो रही है। सभी बच्चों के पास हो रही है क्या बफरिंग, बताया मेरे को, क्या हर बच्चे के पास बफरिंग हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो नो लिखो। क्या हर बच्चे के पास बफरिंग हो रही है? कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटा देखो अभी तो एक दो दिन प्रॉपर आपको हमारे साथ एडजस्ट होने में और हमें आपके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिक्स सा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं कुछ नो लिख रहे हैं। मेरे पास तो बेटा जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो ऑलमोस्ट ठीक है, मेरे पास तो डाटा ट्रांसफ़र प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। चलो आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है बेटा तो बाद में वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं आप लोग। चलो फोकस करो, फिर दोबारा से फोकस करो कि मेटल के स्फीयर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्लास रॉड फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ग्लास रॉड फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आके इकट्ठे हो जाएंगे, इधर इकट्ठे हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आए, अपना अपनी जगह छोड़ के आए, वहाँ क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरफ पॉजिटिव की नज़दीक की तरफ क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज और इधर क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज। इनमें से ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ये इसके साथ अट्रैक्टेड है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इट इज़ अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाउंड चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जिसको ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है बेटा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड फ्री चार्ज। तो इंडक्शन से दो तरह के चार्जेस आते हैं, एक होता है हमारा फ्री चार्ज और एक होता है हमारा बाउंड चार्ज, ठीक है। लेकिन कोई मेरे से पूछे कि नेट चार्ज कितना आया तो आप क्या जवाब दोगे?
एक तरफ आया बेटा फ्री चार्ज, एक तरफ आया बाउंड चार्ज। कोई आपसे पूछे कि नेट चार्ज कितना आया तो आप क्या जवाब दोगे बच्चों? शाबाश बताओ। हाँ काफ़ी फास्ट रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास से डाटा ट्रांसफ़र की दिक्कत नहीं है बच्चों, के अपने अपने पास से एक दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल सही बच्चों, जीरो चार्ज आया, इसका मतलब इंडक्शन तो हुई, अभी इंडक्शन तो हुई पर चार्ज कोई नहीं आया, इंडक्शन तो हुई पर चार्ज कोई नहीं आया, क्योंकि एक तरफ जितना नेगेटिव चार्ज आया दूसरा उतना ही तरफ दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटा देखो अब आगे सुनना, अब मैंने क्या किया, इसको अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी बेटा मैंने इसकी। बेटा जब भी हम अर्थिंग करते हैं, मैं तो अर्थिंग के बारे में एक लाइन बोलना चाहूँगा, हमारी अर्थ कंडक्टर है पहली बात, हमारी अर्थ जो है इट इज़ कंडक्टिंग इन नेचर, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, अर्थ बेटा एक मैग्नेट तो है, कल हमारी बात हुई थी, और अर्थ अपने आप में कंडक्टर भी है, ठीक है, अर्थ अपने आप में मैग्नेट है और अर्थ अपने आप में एक कंडक्टर भी है। अभी जो बाउंड चार्ज फ्री चार्ज कोई बेटा बताता हूँ, कोई देखो, अभी अर्थ अपने आप में कंडक्टर भी, अर्थ अपने आप में मैग्नेट भी है, और अर्थ की अगली बात सुनो, अर्थ के साथ जैसा भी आप चार्ज कनेक्ट करोगे, चाहे पॉजिटिव कनेक्ट करो बच्चों आप अर्थ के साथ, चाहे अर्थ के साथ आप नेगेटिव चार्ज कनेक्ट करो, अर्थ सारा खा जाती है। अगर सपोज करो कि मेरे पास, सपोज करो इस मार्कर पे पॉजिटिव चार्ज है और ये मेटल का है, मैंने क्या किया इस मार्कर को ना वो अर्थ के साथ अर्थ कर दिया, इसको अर्थ कर दिया, तो जितना भी इसका चार्ज होगा अर्थ खा जाएगी, पूरा ले जाएगी, अगर ये मेटल का है तो। और अगर मैं बोलूँ कि मेरी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब मैंने अर्थ कर दिया तो उसको भी खा लेगी। अर्थ हमेशा पूरे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सबको कंज्यूम कर लेती है, पर ये जरूरी है कि उस चार्ज का मन भी होना चाहिए जाने का। अब मन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो बेटा ये मेटल का है, हाँ जी मेटल का है, मैंने इसको अर्थ कर दिया, इसके ऊपर दो तरह के चार्ज हैं, एक बेटा फ्री चार्ज है और एक बाउंड चार्ज है, तो किस वाले का मन है जाने का, कौन ऐसा है जिसको वहाँ से चले जाना है? क्यों? क्योंकि उसको किसी ने अट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, उसको तो धकेल रहा है ये पॉजिटिव, उसको धकेल रहा है, तो ये फ्री वाला चार्ज जो होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाई दिस ग्लास रॉड, ये फ्री चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? अर्थ पे। कोई बच्चे पूछ रहे हैं क्यों भाई? देखो बेटा अर्थ का आगे पढ़ेंगे हम कि अर्थ का पोटेंशियल होता है ज़ीरो, अर्थ का पोटेंशियल होता है ज़ीरो, और जो भी उसको हायर पोटेंशियल की चीज़ मिलेगी उसके चार्ज को उसने खींच लेना अपनी तरफ को, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था वो अर्थ पे चला गया। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन जनरेट करूँगा जो इवन आपसे कंपटीशन पूछेंगे। अब आगे सुनना, अब मैंने क्या किया, ऐसे अर्थिंग कर रखी थी, ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया बेटा अर्थ को जहाँ चला गया। अब मैंने क्या किया, ये ग्लास रॉड यहाँ से हटा दी, ग्लास रॉड यहाँ से हटा दी, बट बताओ क्या देखने को मिलेगा? अब मैंने ये ग्लास रॉड यहाँ से हटा दी, बताओ क्या देखने को मिलेगा? मैं अपने देता हूँ ऑप्शन कि ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा, एक ऑप्शन ये है कि नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा, दूसरा ऑप्शन है कि ये नेगेटिव चार्ज भी अर्थ को चला जाएगा, बताओ इनमें से क्या ऑप्शन होगा? चाव शाव बोल लो बेटा। ठीक है चलो सुनो, तो अभी थोड़ी देर पहले बेटा ये बाउंड चार्ज था, क्यों? क्योंकि यहां पे ग्लास रॉड बैठी थी इधर यहां पे, तो ये बाउंड चार्ज था। यहां पे थोड़ी देर पहले नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे वो फ्री चार्ज था, अर्थ उस फ्री चार्ज को उड़ा के ले गई थी क्योंकि उसको फ्री मिला था वो। अब ये ग्लास रॉड हट गई, ये पॉजिटिव तो पहले गायब हो गया यहाँ से, ये तो पॉजिटिव बेटा पहले गायब हो गया है। अब ये जो बाउंड चार्ज था जिसको पहले किसी ने अट्रैक्ट करके रखा था, अब ये बाउंड चार्ज नहीं रहा, अब देखो बेटा ये क्या बन गया, फ्री चार्ज बन गया, क्योंकि अब इसको कोई अट्रैक्ट कर नहीं रहा, कोई रॉड नहीं है वहाँ पे अट्रैक्ट करने की, तो बेटा वो बन चुका है फ्री चार्ज। अब जैसे ही आप अर्थ करके रखोगे ये नेगेटिव चार्ज भी अर्थ को चला जाएगा। मैं थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में समझाऊं बेटा कि नेगेटिव चार्ज अर्थ को जाने का मतलब समझाऊं क्या होता है, सुनो। तो अब कमेंट्स बंद कर दो, सुनो यहाँ, अगर बेटा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे,
एक्सेस इलेक्ट्रॉन जब होते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। आपने इसको अर्थ कर दिया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल ट्रांसफर टू अर्थ, वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और जब बात चली है तो मैं पॉजिटिव का भी सिखा देता हूँ। मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, मैंने अर्थ कर दिया, हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज गायब होने का मतलब भी समझाता हूँ बेटा क्या होता है। जब हम ये बोलते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है तो उसका मतलब ये मत सोचना कि प्रोटॉन चले जाते हैं। प्रोटॉन तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनकी मूवमेंट नॉर्मल में पॉसिबल नहीं होती है। प्रोटॉन तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और नॉर्मली उनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। तो मूवमेंट जो होनी है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होनी है। तो पता क्या होता है, पिछली बार जब नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन अर्थ को चले गए थे, यहाँ उल्टा होना है। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन बेटा इधर अर्थ से आएंगे और इसके अंदर आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक पॉजिटिव को मार देगा ऐसे ऐसे। इसका मतलब कि जब पॉजिटिव चार्ज अर्थ को ट्रांसफ़र होता है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जब बेटा नेगेटिव चार्ज गायब होता है ना यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अर्थ को चले जाते हैं। तो फिलहाल बताओ कि जो पिछला मैंने कंसेप्ट बताया, मैंने इंडक्शन करवाई बेटा, फिर अर्थिंग करवाई। इंडक्शन और अर्थिंग करवाने के बाद थोड़ी सी गलती करने की वजह से, मैंने जानबूझ के गलती करी, नेट चार्ज इस स्फीयर के ऊपर कितना बचा, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। अर्थिंग भी करी, पहले इंडक्शन करवाई फिर अर्थिंग कराई, बताओ नेट चार्ज कितना बचा। ठीक है, सही बच्चे बोल रहे हैं, जीरो बचा नेट चार्ज हमारे पास, जीरो बचा, बिल्कुल सही है। तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ ना, क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम सही से करेंगे। देखो वही स्फीयर है, वही स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, ग्लास रॉड रखी मैंने यहाँ, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज ने इंडक्शन करवाई तो बेटा सामने की तरफ नेगेटिव आ जाता है और इधर पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे देखो इंडक्शन हुई, सामने की तरफ नेगेटिव आ गया, अपोजिट में पॉजिटिव आ गया बेटा। फिर बेटा आपने इसकी अर्थिंग कर दी, देखो ऐसे अर्थिंग कर दी, ये वाला आपका बाउंड चार्ज है क्योंकि इसके साथ अट्रैक्टेड है, और ये वाला आपका फ्री चार्ज है, फ्री वाला चार्ज गायब हो गया, अर्थ को चला गया था, इतना हमने पढ़ लिया था। अब हमने गलती क्या कर दी थी कि ग्लास रॉड को हटा दिया पहले, और एक बच्चे ने कमेंट किया भी था बिल्कुल सही कि सर पहले ग्लास रॉड नहीं हटानी चाहिए थी, पहले हमें पता क्या करना चाहिए था, अर्थिंग कट करनी चाहिए थी। अब हमें अर्थिंग कट करनी चाहिए थी, अगर हम अर्थिंग कट करते फिर इसको हटा देते, फिर हटाते, पहले अर्थिंग कट करते बेटा फिर हम कॉन्टैक्ट हटा देते, ग्लास रॉड को हटा देते यहाँ से, तो फिर पता क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ है ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कोई किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा, वो तो पहले एक तरफ इकट्ठा हुआ था, अब डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो गया, पूरे स्फीयर पे क्यों फैल गया। तो उसके पीछे कारण सुनो बेटा, वो इसलिए फैल गया क्योंकि नेगेटिव करते हैं रिपेल, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सन की वजह से वो दूर रहना चाहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे तभी होंगे अगर वो एक दूसरे के आउटर सरफेस पे जाके टिकेंगे, आउटर सरफेस पे टिकेंगे जाके। तो अब बताओ कि अब इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। जिस ग्लास रॉड को आप लेके आए थे, उस पर चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात आपको बता दूं कि बेटा अगर ग्लास रॉड जिसको लाए थे उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ जो चार्ज आएगा नेगेटिव भी होगा, वो तो क्लियर है कि नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। मतलब कि इसके ऊपर अगर 10 कूलम का चार्ज होगा ना प्लस, तो इसके ऊपर क्रिएट होगा माइनस 10 का। और आप इससे उल्टा भी क्रिएट कर सकते थे, अगर आप रॉड जो लेके आते उस पर नेगेटिव चार्ज होता फिर आप बेटा इंडक्शन करवाते, इसके बाद आप इंडक्शन करवाते, तो इंडक्शन ऑन करवाने की वजह से इस स्फीयर के ऊपर या किसी भी शेप की बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आना था,
पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो फिलहाल हमने ये सीखा अभी तक कि बॉड चार्ज होता क्या है। चार्ज इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मे बी इधर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट मे बी ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से चार्ज या तो पॉजिटिव आता है चाहे या फिर नेगेटिव आता है। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर छोटी सी बात कर लेते हैं। वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज रखा और नेगेटिव चार्ज रखा उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कल के क्वेश्चन मैंने पूछा था तो बच्चों ने आंसर भी किया था कि सर बेंजामिन फ्रैंकलिन था। तो बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट था जिसने हमें ये बताया था कि भाई एक चार्ज में दो नेचर होते हैं, एक का नाम पॉजिटिव चार्ज है एक का नेगेटिव चार्ज है। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। बेटा मैं एक छोटी सी बात करने जा रहा हूँ आपके साथ कि मेरे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस फाइव कूलम, एक है बेटा माइनस फाइव कूलम। बताओ कौन बड़ा है, विच चार्ज इज ग्रेटर, बताओ शाबाश, दो में से बड़ा चार्ज कौन है। तो सभी बच्चे मैक्सिमम बच्चे तो बोल रहे हैं कि प्लस फाइव बड़ा है, कुछ बोल रहे हैं माइनस फाइव बड़ा है, कुछ बोल रहे हैं सेम है दोनों। मैं पूछ रहा था कि दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, उनमें से बड़ा कौन है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो कि जनरली हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि पॉजिटिव का मतलब बड़ा होता है, मैथ्स में हमने ऐसा सीखा है कि पॉजिटिव का मतलब बड़ा होता है और नेगेटिव का मतलब छोटा होता है। बट मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा ताकि आगे चल के हमें दिक्कतें ना आए कि पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा छोटा और बड़ा नहीं बताते। बहुत से केसेस में बताते हैं छोटा और बड़ा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं बेटा बड़ा या छोटा नहीं बताते। पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना यहाँ नेचर को बता रहा है, ना कि बड़ा या छोटा बता रहा है। इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब ये बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। बस पॉजिटिव की इंडिकेशन सिर्फ ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। और दूसरे के ऊपर नेगेटिव आया इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। हाउएवर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये चार्ज बड़ा है या छोटा है। तो चार्जेस में पॉजिटिव या नेगेटिव होना छोटा बड़ा नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद एक बच्चे ने बात की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात की थी कि सर चार्ज करने से क्या बॉडी का मास भी इफेक्ट होता है, चार्ज करने से क्या बॉडी का मास भी इफेक्ट होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है कि सेम रहता है। चलो मैं आपसे पोल करता हूँ, आप बताओ कि मास इंक्रीज होता है चार्ज करने से कि डिक्रीज होता है कि सेम रहता है। शाबाश, बताइए कि चार्ज करने से मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि सेम रहेगा। सो कुछ बच्चे इंक्रीज बोल रहे हैं, कुछ सेम बोल रहे हैं। सेम मैक्सिमम बच्चों का है कि चार्ज करने से मास पे इफेक्ट नहीं होता। तो चलो अब लास्ट बात है तो कंक्लूड कर देते हैं। अभी थोड़ा एक दो दिन मुझे भी सिस्टम के अंदर पूरा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कैसे स्पीड अप करना है वो थोड़ा एक आधा दिन का टाइम लगेगा। आप लोगों को भी सिस्टम में ढालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना कि अननेसेसरी कमेंट्स ना करना, क्योंकि ध्यान हमारा वहाँ को डाइवर्ट हो जाता है, फिर वो काम की चीज़ होगी तभी करना। अभी बच्चे बहुत से बच्चों ने आंसर दिया तो मेरी बात सुनो बेटा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को अब कि किसी बॉडी पे जब चार्ज करते हैं तो आपने सीख लिया कि या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज करेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो उसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले जाएंगे। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के गए होंगे। अब मेरी बात सुनो, ये मार्कर है मेरे पास, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के गए हैं, इसके इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले गए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, होता है कि नहीं, होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। तो इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले गए, चाहे बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, पर मान लो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए।
इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जब चले गए उसको, तो इलेक्ट्रॉन के छोड़ने की वजह से उसका मास डिक्रीज होगा। इसका मतलब जब भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मास डिक्रीज होता है, ठीक है। और दूसरा बात कर लेते हैं, जब बॉडी का चार्ज नेगेटिव आया, मान लो, तो मान लो इस मार्कर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए है ना कहीं से, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए तो वजन बढ़ नहीं जाएगा इसका। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है मास का इंक्रीज होना, और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब मास हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो बच्चों आज टाइम कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास लगनी है। आज हम सिर्फ थोड़ी सी बात पढ़ पाए, ज़्यादा नहीं हम पढ़ पाए, पर क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं बड़ा स्पीड अप नहीं करना चाह रहा, कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसकी नेचर क्या क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्ज करने के मेथड्स क्या हैं। पहला मेथड सीखा हमने चार्जिंग बाई कंडक्शन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड सीखा हमने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के ऊपर, बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। और तीसरा सीखा हमने चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाई इंडक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बेटा मिल जाएंगे, नोट्स की चिंता क्यों कर रहे हैं आप लोग, जब हमने कमिटमेंट की है आज ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पर जैसे आपको नोट्स आएंगे, जितना मैंने करवाया उतना तो नोट करना ही है, इससे उससे आगे तीन चार टॉपिक आपने अपनी कॉपी में पहले से लिख के रखने। जितना मैंने करवाया, मैंने थोड़ा सा करवाया, बिल्कुल थोड़ा सा करवाया आज, उतना तो आपने लिखना ही है, उसके आगे भी आपने तीन चार टॉपिक जो हैं वो आपने और लिख के रखने हैं, सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज टीचिंग के हिसाब से हमारा फर्स्ट डे था, हो सकता है कि अभी आपको भी कुछ दिक्कत आ रही हो, हल्की हल्की दिक्कत अभी मेरे को भी रह रही है क्योंकि क्लास का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो दिन के अंदर मेरे को फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि जितने बच्चे कनेक्टेड हैं वो सब मेरे सामने बैठे हैं बच्चों, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स बेटा, थैंक्स। वहाँ से बंद, अच्छा हो गया।